हेलो दोस्तों, तो आपको नवदीप स्टेडियम स्वागत है। और आपको बताइए क्या करना है अपन, और क्या कर रहे हैं, काय के टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट 16 पार्ट है। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कमेंट करना है कि कैसे लग रहे हैं आपको सेशन, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है, टाइम आपके पास भी नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत कीमती होता है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लाइव क्लास लेने में दो दो घंटे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो देखो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। ये नहीं कि आप 3 घंटे लगे हो, बैठे हो, देख रहे हो, वहाँ टेस्ट चल रहा है, लाइव दे रहे हो, 3 3 घंटे, 4 दिन, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये दो लाइन एक तरफ है और इसके साइड में ये तीनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये सेम आ रहे हैं, ये सारे फिगर सेम बन रहे हैं। देखो 5th 4th 3 1, ये अलग हो गया थोड़ा, आंसर हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि ये सारे क्लॉक वाइज जाएंगे, ये एंटी क्लॉक वाइज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो क्या चल रहा है। अब अपन अगर एक फिगर को देखें, सर्कल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसमें एक सर्कल नहीं है, तो आंसर क्या लगा देंगे अपन, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरो वाला आ गया अपना फेवरेट। अब देखो एरो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर सारे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बट ये साइड से अंदर आ रहे हैं, ठीक है, साइड से अंदर आ रहे हैं, और ये कॉर्नर से अंदर आ रहा है। आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें अगर आप सर्कल भी देखोगे तो ये लाइन पे है, लाइन पे है, लाइन पे, लाइन पे, और इसमें ये कॉर्नर पे है, ठीक है। अब इसमें क्या चल रहा है, 13 5 7 11, ये सारे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, सारे है ना। अब बाकी 9 नहीं है प्राइम नंबर, आंसर हो जाएगा अपना 4th पार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अब आप इसको ऐसा अगर ज़्यादा फिगर बनते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप, फिर फिगर ढूंढोगे इसमें, ठीक है। तो देखो आंसर, देखो इसमें क्या चल रहा है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, और उसमें आंसर जो दिया है कि इसमें देखो 2 है, फिर इसमें 3 है, फिर 4 है, और ये 5 है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें देखो 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 3 4 5 6। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बट इसमें देखो एंटी क्लॉक वाइज में जा रहे हैं, थर्ड वाले में, ठीक है। और इसमें भी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, इसमें भी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाले में एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा अपना, 3rd, ठीक है। और एक चीज़ और है, इसमें आप देखोगे सर्कल बने, इसमें भी सर्कल बने, इसमें भी बने, इसमें भी बने, बट इस वाले में सर्कल है ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 3rd, जो आपको पहले दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो एन बनाए, एरो एरो सबकी टांगें, एक टांग में एरो बनाए, ठीक है। चलो एन से अपन को लेना देना नहीं है। अब देखो एक साइड छोटा हो गया इसका डंबल, एक साइड बड़ा हो गया, एक साइड ज़्यादा वेट लग का ज़्यादा वेट है, एक साइड कम वेट है, एक साइड ज़्यादा एक कम कम है, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम है, ये दोनों बराबर हैं, तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया अपना, डंबल ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें देखो क्या है, ये दिख रहा है सामने, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकी सब साइड साइड में है। आंसर कौन सा हो गया, 5th। जो ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, जो इनको ज़्यादा इज्जत देना ही नहीं है, इनको ज़्यादा टाइम दोगे तो फालतू क्वेश्चन टाइम लेंगे, इनको ज़्यादा इज्जत देना ही नहीं है, सामने देखे तुरंत लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन होते हैं इज्जत देने वाले, अब आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में। तो देखो ये जो इसका कॉर्नर है, ठीक है, और यहाँ से ये बड़ी है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, ऐसे ये कॉर्नर है, तो ये बड़ी है तो छोटी 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 डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और ये कॉर्नर है तो इसमें रिवर्स में चल रही है, छोटी से बड़ी जा रही है। इसमें भी देखो, इसमें बड़ी से छोटी 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 हो रही है, ये बड़ी से छोटी 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 हो रही है, तो ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 3rd। अभी अपना फेवरेट आ गया एरो वाला, एरो बाहर है, बाहर है, ये अंदर को आ रहा है, ये बाहर है, ये बाहर है, आंसर कौन सा लगा देंगे, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये फिगर जो बना हुआ है, तो इसमें क्या कर रहे हैं अगर, तो इसमें तो धाप धाप दिख रहा है, दोनों तरफ कलर हैं, बाकी सब में एक कलर है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक कलर है, ठीक है। तो आंसर कौन सा लगा देंगे अपन, 5th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर, तो इनका सबका बेस दिया हुआ है, नीचे दिया है बेस, बट इस वाले में बेस ही नहीं है, कोने पर खड़ा हुआ है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। अब ये देखो, ये दोनों भाई भाई मिल गए, ये सारे भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। बेचारे ये अकेला रह गया बीच में, इसकी टांग यहाँ पे छोटी पड़ गई, बाकी इन सबकी मिली हुई है कॉर्नर कॉर्नर से, आंसर क्या हो जाएगा, 3rd।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है, ऐसे फिगर तब भी आए आपको काउंट करना है। अब देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, सात, सात हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, 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 ये सात, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। या तो आप ये भरे हुए हैं वो गिन लो, या तो खाली हैं वो गिन लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, अब देखो, ट्रायंगल 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 इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, आप ट्रायंगल के पीछे पड़े रह गए और उसने क्या काय का क्वेश्चन दे दिया, आप ट्रायंगल दिख गया आपको, आप वहाँ ट्रांसलेट होगा, उसने क्वेश्चन काय का दे दिया, स्क्वायर का, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तो ये भी लॉजिक लगाना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, अब आप सोचोगे यहाँ पे अपन जीरो कटर्स खेल लें, तो वो नहीं खेलना है आपको, ठीक है, बैठ के देखो, टाइम पूरा इसमें ले जाओगे खेलने में। अब देखो यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर वाले में एक्स बन रहा है, इसमें भी एक्स बन रहा है, इसमें भी एक्स बन रहा है, इसमें भी एक्स बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, जीरो बन रहा है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरो वाला आ गया, अपना फेवरेट, एरो सब एक डायरेक्शन में, इसमें सब एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, ये बेचारे इधर उधर हो गए, आंसर कौन सा लगा देंगे, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है, एरो 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 सेम है, सब पूरे फिगर सेम बने हैं, ठीक है। तो ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये देखते हैं, तो इसमें दो बिंदी आ रही हैं, इसमें दो बिंदी आ रही हैं, इसमें दो, इसमें दो, इसमें तीन, ऐसे क्वेश्चनों को इज्जत नहीं देना है बिल्कुल अपन को, ठीक है। अपन को डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट आंसर एक दो सेकंड के नेक्स्ट बढ़ाना है। अब देखो, ये है इज्जत वाला क्वेश्चन, या अगर फर्स्ट टाइम देखोगे आपको दिमाग क्लिक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ। तो देखो, अंदर कितने पार्ट हो रहे हैं, एक दो तीन, इसकी साइड कितनी है, तीन, इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, साइड कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, साइड कितनी है, एक दो चार, इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, साइड कितनी है, छः, एक दो तीन चार, साइड कितनी है, चार, सारे मैच हो रहे हैं, ठीक है, जितनी साइड है उतनी पार्ट हो रहे हैं, इसमें मैच नहीं हो रहा, आंसर कौन सा लगा देंगे, थर्ड। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखोगे तो इसमें एक एक कर्व आपको मिल रहा है, सब में मिल रहा है या दिख रहा है, ये कुछ चीज़ दिखना चाहिए, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपको दिखना चाहिए अब। और ये इसमें कॉर्नर है, आंसर क्या लगा देंगे, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो करवा चुका हूँ मैं, तो देखो इसमें ये एक्स्ट्रा बन रही है लाइन, बाकी किसी में नहीं है, सेकेंड आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखो क्या है, ये भी करवा चुका हूँ, ये सारे एक डायरेक्शन में, और ये देखो बीच में अलग हो गया, आंसर कौन सा हो जाएंगे, सेकंड। और इसमें चार हैं, बाकी सब में पांच पांच भी हैं। अब एरो वाला आ गया, अपना फेवरेट, दोनों सेम, दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों, अब ये बीच में आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट तो हैं, ठीक है, एरो वाला चक्कर नहीं है। इसमें क्या है, अगर वन और दो देखो, ये दोनों भाई बहन हैं, मिल रहे हैं सेम सेम, ठीक है। और अगर थर्ड और किसको देखोगे आप, फिफ्थ को, थर्ड और फिफ्थ को देखोगे तो ये सेम सेम है, ठीक है, पर इसका कोई पेयर नहीं मिल रहा फोर्थ वाले का, आंसर क्या लगा देंगे, फोर्थ। ऐसे ही एरो वाला आ गया अपना, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ है टच, बाहर की तरफ टच है, बाहर की तरफ टच है, बाहर की तरफ टच है, बट ये अंदर की तरफ, इसके पेट में चाकू मार दिया, ऐसा हो गया, ठीक है, अंदर, ये कौन सा हो गया। अब इसमें देखो, एरो में ये सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन, ये दिखना चाहिए हाल तुरंत, ये इज्जत वाले क्वेश्चन नहीं, इनको इज्जत देना ही नहीं है टाइम, इसमें नहीं दिख रही, आंसर हो जाएगा फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो एरो वाले आ गए, और ये इज्जत वाला क्वेश्चन है। अब एरो वाला आ गया, अब देखो एरो एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, ये दोनों बेचारे दूर दूर हो गए, बात ही नहीं कर रहे, ये इसके पीछे पड़ा है, 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 ये दोनों अलग अलग हो गए, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जैसे आए, अगर आप सही देख रहे होगे ना तो आपको तुरंत दिखेगा, ठीक है। देखो, अगर आपको ये तो नज़र दिख ही रहा होगा, सब में मिल रहा है पॉइंट, ठीक है, स्टार भी सब में मिल रहा है, आपको क्या देखना है, एक्स, इसमें दो एक्स हैं, इसमें दो एक्स हैं, ठीक है, इसमें दो एक्स हैं, इसमें दो एक्स हैं, इसमें खाली सिंगल ही एक्स है, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखो क्या चल रहा है, अब ये इसके पीछे पड़ा है, ये भी 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 इसके पीछे पड़ा है, ठीक है, और सारे कॉर्नर में आ रहे हैं, 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 कॉर्नर में, ये भी सही है। अब क्या लगाओगे, अब इसमें लगाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये ऐसे सीधा है, इसको और अपन लेटा देंगे ऐसे उल्टा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, और इसको अपन और सीधा कर देंगे सीधा करके ऐसे घुमा देंगे इधर को, तो ये बन जाएगा, ठीक है,
अब इसको और सीधा करके ऐसे घुमा देंगे ये वाला, तो ये बन जाएगा। बट ये फिगर कैसे भी घुमा लो आप, ये नहीं बनेगा, ये अलग है। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ये मैं करवा चुका हूँ, देखो ये भरा हुआ है इसके तरफ, ये है लाइन, ये लाइन आ रही है, लाइन आ रही है, लाइन आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। आंसर लगा देंगे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एरो में, तो एरो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है बेचारा, बाकी सारे बाहर आ रहे हैं। आंसर लगा देंगे फोर्थ। एरो वाले में हमेशा एरो का डायरेक्शन देखना, इसमें भी एरो आ रहे हैं। अब देखो ये सारे एरो, ये और ये, अब इसमें सेम है, अब इसमें क्या करोगे? अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये फर्स्ट वाला ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, बट इस वाले में नीचे हो गया। आंसर क्या लगा देंगे अपन? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो एरो एरो एरो, इसमें भी एरो एरो, सब सेम है। अब इसके अपोजिट में दोनों सेम फिगर बने, इसमें भी सेम फिगर बने, इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बट इसमें देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट में बने हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में बने थे और सेम किस में बने थे? ये एक लाइन में, ये एक दूसरे लाइन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, ये सीधी लाइन। आंसर क्या लगाएंगे? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो एरो दिए हैं सारे, ठीक है, बट आप ये फिगर भरा हुआ है, बाकी सारे खाली। आंसर लगा दो थर्ड, ये जेत वाले क्वेश्चन ही नहीं है। अब देखो एरो अपोजिट जा रहे हैं, ये दोनों भी अपोजिट हैं, ये भी अपोजिट हैं, ये भी अपोजिट है, बट ये जो ऊपर बना है वही नीचे बना। आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब इसमें क्या चल रहा है? अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें एक तो आपको ये लाइन दिख गई सीधी, ठीक है, एक तो ये अलग है थर्ड में, और क्या है, और बाकी बस ये दोनों सेम फिगर हैं, और ये दोनों भी सेम है ऑलमोस्ट, इसका कोई भाई नहीं है। अंतर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ख़त्म हो गए क्या? हाँ ख़त्म हो गए, ठीक है। तो फिर ये हो गया अपना सेशन आज भी 10 मिनट में, ठीक है, ऐसे आपको मिलते रहेंगे एग्ज़ाम तक। तो इस चैनल को सब कमेंट जरूर करें, कैसे लग रहे हैं आपको सेंटेंस, ओ सेंटेंस बोल रहा हूँ ये सेशन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।